अलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ होंगे ठीक। अच्छा, आज मेरी ड्यूटी करना हो सिर्फ 4 घंटे। एक्चुअली मैं शारजा चला गया था किसी काम के लिए, दोस्त जा रहा है पाकिस्तान, उसके लिए कुछ सामान वगैरह लेना था। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, तकरीबन अभी 1 बज गया है। 1 बजे ड्यूटी मेरी स्टार्ट हुई थी। मैं हाँ, अब 2 हो रहे हैं, अब 2 का टाइम हो चुका है। मैंने 2 ऑर्डर कर लिए, अभी 45 मिनट हो चुके हैं। अभी मुझे तीसरा ऑर्डर आ चुका है जो मैंने देना है। आगे टोपी से उठाना है, बर्षा वाली की टोपी से उठा के यहीं पे ही देना है आके JVC में, लेकिन बिल्डिंग का नेम शो नहीं हुआ उन्हें। जब लोकेशन रॉन्ग हो ना तो फिर बिल्डिंग का नेम शो नहीं होता है, लेकिन जब आप ऑर्डर स्टार्ट करते हैं ना तब सब कुछ आपको दिख जाता है कि इस बिल्डिंग में आपके आपने जाके ना ऑर्डर देना है। ठीक है, आप वहीं पर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है आगे। ये है जी टोपी की, बर्षा का कटोपी जैसा, और यह हिस्सा स्ट्रीट। अभी तो रश नहीं है, दोपहर के टाइम यहाँ पे खड़े होने का टाइम नहीं होता। ओके, ऑर्डर ले लिया, अब निकलते हैं हम JVC। 6-7 किलोमीटर होगा। यहाँ पर लॉक बंद किया। ओके, तीसरा ऑर्डर जो है हमने इस 5 होटल में दिया है, बड़ा अच्छा होटल है। देखिए ये मैं आपको होटल दिखा रहा हूँ, बड़ा बड़ा होटल है उस्ताद। ठीक है, तो अभी हमें मुझे चौथा ऑर्डर भी आ चुका है। अरे नहीं यार, हाँ तीसरा दिया है, अभी चौथा ऑर्डर मुझे आ चुका है जो JVC से उठा के JVC में ही देता है। ठीक है, और ये इस बिल्डिंग में मैंने ऑर्डर दिया है अभी, और ये इसका मिस्टर का हमें ऑर्डर आ गया है। ठीक है, ओके भाजी, 2 घंटे हो गए हैं ख़त्म ड्यूटी को और 5 ऑर्डर हो गए हैं हमारे। और मज़े की बात ये है कि कभी कभार ये क्या माह रमज़ान में ये इनका कर देते हैं कि 12 बजे के बाद ना आप जो भी ऑर्डर करोगे आपको उसके पर ऑर्डर के 12 दिरहम मिलेंगे। पहले क्या होता है कि आपको एक ऑर्डर के मिलते हैं 10.25, ठीक है, 10 दिरहम और 25 फिल्स। लेकिन कभी कभार मतलब हफ्ते में ना एक दिन वो इस तरह कर देते हैं कि आप 12 बजे के बाद जो भी ऑर्डर करोगे आपको मिलेंगे उसके 12 दिरहम। तो मैंने ड्यूटी भी स्टार्ट 12 बजे की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं शारजा चला गया था। अच्छा, वो स्टोरी इस तरह है कि हमारे भाई हैं उमर फ़ारूक साहब, वो जा रहे हैं तकरीबन 2.5 साल के बाद पाकिस्तान, तो उनके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी जो उन्होंने पहन के जाना था, कपड़े वगैरह, शूज़, और बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें। तो शारजा गए थे हम, शारजा रोला माल में, वहाँ से सारा सामान वगैरह लिया, फिर उसकी बाइक जमा करवाई। ठीक है, उसको फिर वापस घर छोड़ा, और उसके बाद मैं आया यहाँ पर ड्यूटी के लिए। ठीक है, अब हमारे 2 घंटे हो गए हैं कम्प्लीट, बाकी रह गए हैं 2 घंटे, तो देखते हैं क्या बनता है आखिरी 2 घंटों में। पहले 2 घंटे में उन्होंने 5 ऑर्डर करवा दिए हैं, और अब जो 2 घंटे बाकी हैं उसमें देखते हैं क्या बनता है। चलो निकलते हैं फिर आगे। ओके, ऑर्डर देने आया हूँ मैं यहाँ MD होटल में, और कस्टमर का नंबर फ्रांस का है, कॉल भी नहीं जा रहा है, मैसेज भी नहीं जा रहा, अब यहाँ पे खड़े हैं, उसने रूम नंबर भी नहीं लिखा हुआ है। तो अब राइडर स्पोर्ट पे बात किया, वो मेल वगैरह करेंगे फिर आएगा, ये टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। चलो कोई ना, इसके बाद आखिरी घंटा रह गया है, इसके बाद देखो क्या बनता है। सही जा रहा है काम, ऐसे 12 बजे के बाद काम निकल आता है, आपको 1 घंटे में 2 होते रहते हैं। मेरे तो एक पहले घंटे में 2 हुए हैं, नेक्स्ट वाले घंटे में 1-3 हो गए थे, 5 हो गए, इसमें भी 2 हुए हैं, 7 ऑर्डर हो गए हैं। 7वां मैं देने आया हुआ हूँ, वो पता नहीं कब आएगा, कब डिलीवर होगा, और आगे 1 घंटा रहेगा, उसमें भी 2 हो जाएंगे, 9-10 हो जाएंगे ऑर्डर इंशाल्लाह। 4 घंटों में 10 ऑर्डर, वाह अच्छा है ना। भाजी 9 ऑर्डर हो चुके हैं और अभी रह गए 40 मिनट अभी बाकी हैं, तो मेरे ख्याल से तो 2 हो जाएंगे। लेकिन पहले ऑर्डर आप दे रहे होते हैं ना, मतलब अराइव करते हैं तो ऑर्डर आ जाता है, लेकिन अब इसके अब नहीं आया। ठीक है, 3 बज के हो गए हैं 20 मिनट, बाकी देखो क्या बनता है।
ये अभी मैं हूँ अलसफो में, ये रही बिल्डिंग। ओह माय गॉड, शायद आपने मेरे पीछे पीछे वाले ब्लॉग देखे हों जो मैंने तकरीबन 2 वीक पहले बनाए थे। तो वहाँ पे वो जो बिल्डिंग है ना, वो बड़े वाली, वहाँ पर मैं अपनी आईडी भूल गया था, जहाँ मैंने इस तरह नंबर दिखाया था वो गलती से नंबर शो भी हो गया था। और उनमें से वो एक्चुअली शो सही तरह हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी एक बंदे ने मुझे मैसेज किए थे, कहता कि भाई मैंने बड़ी मुश्किल से आपका नंबर देख के ना आपको मैसेज किया। 2 लोगों ने किए थे, एक इंडिया का था एक पाकिस्तान का था, पता नहीं किस तरह उन्होंने देख लिया यार, और मुझे नाम नहीं याद उनके, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। खैर अब देखते हैं भाई क्या बनता है आगे। अपने दो ही शौक सुन गड्डी।